अब मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट आती थी कि हल्दी जो कि बहुत ही सख्त होती है इसको कोई मशीन पीसेगी नहीं, और यहाँ पे आप ये देखिए ये जो हल्दी की गांठे हैं जो साबुत गांठे हैं, मैंने इनको कोई छोटा काट के या तोड़ के नहीं किया हुआ है, जो ये साबुत गांठे हैं ये इसमें मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम अपनी जो 5 HP मॉडल है इसमें ये जो सूखी लाल मिर्च है ये आपको पीस के इसका पाउडर बना के दिखाता हूँ। हमने इसका MCB ऑन करना है और यहाँ से इसमें जो लाल मिर्च है वो डालनी है। आइए दोस्तों, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि ये आपको जो हमारा वुडन कैबिनेट है उसमें ये जो गेहूं है इनके हाथ में इसका डेमो करके दिखाते हैं। आइए अब हम लाइट देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब गेहूं के बाद हम आपको ये जो बाजरा है ये भी कई जगह खाया जाता है इसकी पिसाई करके दिखाते हैं। दोस्तों ये मशीन तभी स्टार्ट होती है जब इसमें जो भी अनाज है वो डाला जाता है और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी है। अगर इसको आप अचानक खोल देंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी और जब इसका ढक्कन दोबारा बंद करेंगे। अच्छा, जी मैम खोल के दिखा दीजिए एक बार। देखिए ये देखिए मशीन अपने आप बंद हो गई है, कितना अच्छा इसमें सेफ्टी फीचर्स है, और जैसे इसको आप बंद करेंगे मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। एक और जानदार शानदार वीडियो लेके आ गया हूं मैं पंजाब के कोटकपूरा में, और ये एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो मशीन के मामले में कोई इनसे मैच नहीं कर सकता। मुझे खुद यहाँ सूट करने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि पूरी रेंज मिलती है। कहीं भी जाओ एक मशीन लेके हमें बताना पड़ता है, यहाँ इतनी बड़ी रेंज है जिसमें हमें भी सूट करने में मज़ा आता है, व्यूअर्स को भी देखने में मज़ा आता है कि चलिए कुछ नई मशीनें दिखाई, कुछ नए टाइप का वीडियो है। ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ ये 6 मशीन हैं, इससे बेसिकली आटा पीस सकते हैं, मसाले वगैरह पीस सकते हैं। घरेलू मशीन भी हैं इसमें और कमर्शियल मशीन भी हैं। काफ़ी कम प्राइस से आप ये बिज़नेस शुरू कर पाएंगे या घरेलू यूज में लेना चाहें तो वहाँ से भी आप लेके ये सब कुछ सेल कर सकते हैं। तो इनके बारे में कंपनी के ओनर हैं वो पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो अंत तक देखें, हम इन सब के लाइव डेमो भी देंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इनसे अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपकी मुलाकात जो कंपनी के ओनर हैं उनसे कराने जा रहे हैं, वो इन मशीनों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। जी दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी वाइफ सोनिका हम दोनों आपको मिलके जो हमारे घरों में डेली रूटीन होने वाला है सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अनाज की, और अनाज में अगर हम बात करें तो जो मसाले हैं या आटा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो चीज़ है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें इसके लिए मार्केट जाना पड़ता था। बाजार से आप मसाले ले आएंगे, आटा ले आएंगे, आपको उसकी जो गुणवत्ता है या उसकी जो क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं है कि वो कितना मिलावटी मिलता है या कितना वो शुद्ध है। तो इस क्रम में हम जो आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं डोमेस्टिक आटा चक्की से लेकर कमर्शियल आटा चक्की 2-in-1 फ्लो मिल्स की फुल रेंज हम आपके सामने इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। इससे आप आपके घर में यूज होने वाला हर किस्म का अनाज मसाला उसकी पिसाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सर पहली बात कहते हैं इन मशीनों में घरेलू यानी डोमेस्टिक कौन सी हैं और कमर्शियल कौन सी मशीन है, जिससे व्यूअर को थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। सर ये जो इस वीडियो में मैं आपको 6 मॉडल्स दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये 6 के 6 मॉडल्स आप घर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशन है 1 HP और 2 HP, ये पहले दो मॉडल्स हैं इनको आप डोमेस्टिक यूज कीजिए, और 3 HP से लेकर जो 5 HP तक के ये चारों मॉडल्स हैं इनको आप कमर्शियल लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर पहले डोमेस्टिक से बात करते हैं, सर इसके जो फीचर्स हैं वो आप बताइए। सर सबसे पहले ये जो आप देखने में आपको एक कैबिनेट लग रही है, एक छोटा फ्रिज लग रहा है, मैं आपको बता दूं ये एक फ्रिज नहीं है बल्कि एक आटा चक्की है। ओके, ये एक ऐसी आटा चक्की है जिसको कैबिनेट आटा चक्की या वुडन आटा चक्की कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसके डिजाइन से ही क्लियर है कि इसमें कितना स्लीक डिजाइन है, प्रॉपर ये वुडन है, अंदर इसके स्टेनलेस स्टील लगी हुई है।
यहाँ से इसका ये हॉपर खुलता है, आपको देखने में ऐसे लगेगा कि आपने घर पे एक छोटी सी अलमीरा रखी हुई है। सर इसमें क्या क्या पीस सकते हैं? मतलब सर इसमें आप हर एक किस्म का अनाज पीस सकते हैं या मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, दालचीनी, वैसे मसाले छोड़ के धनिया हो गया, काली मिर्ची, जो छोटे मसाले हैं वो आप आसानी से इसमें पीस सकते हैं। ठीक है। और सर इसका क्या आउटपुट है, मतलब कितना इससे प्रोडक्शन हो सकता है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो मॉडल है हमारा डोमेस्टिक मॉडल है, इसमें जो हमने लगाई है 1 HP की सिंगल फेज की कॉपर वाइंडिंग में मोटर लगाई है, और इसकी जो प्रोडक्शन की बात करें अगर घंटे की तो 7 से लेकर 10 KG की प्रोडक्शन प्रति घंटे की इस मॉडल से मिलती है आपको। ठीक है। तो सर इसके प्राइस भी बता दीजिए, इसके प्राइस क्या है? सर ये जो वुडन चक्की है इसकी कीमत है 19,500 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 19,500 में ये मॉडल आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। सर इसमें जैसे हमें आपने बताया कि ये घरेलू यूज में है, तो इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी हैं? बिल्कुल सर, सेफ्टी फीचर सबसे पहले तो ये आप लगा लीजिए, चारों तरफ से बंद है, ये सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। सेकंड, इसमें हमने एक सेंसर सिस्टम लगाया है। वो सेंसर क्या है कि जब आप घर पे हमारी कोई भी बहन या माता ये चक्की ऑपरेट कर रही है, तो कभी बच्चा अगर ये सामने से ये वाला जो इसका डोर है अगर ये खोल भी देता है तो ऑटोमेटिकली जो चक्की है वो रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बेहतरीन फीचर्स है। यानी अगर आपकी चक्की चल रही है और किसी ने ये दरवाजा खोल दिया तो चक्की आपकी ऑटोमेटिकली वहीं पे रुक जाएगी। बिल्कुल, ये इसका एक सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। यानी घर में बिना टेंशन के आप यूज कर सकते हैं, बच्चों से इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ना बच्चों को यहाँ कोई सेफ्टी का इशू होगा। अब सर अगली मशीन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जी, उसके बाद ये जो मॉडल आ जाता है, जैसे कि पहला मॉडल आपको बताया बेसिकली वो अनाज या छोटे मसालों के लिए था, अब हमें घरों में रिक्वायरमेंट आती है जैसे हल्दी, लाल मिर्च या दालचीनी जैसे बड़े मसाले, उनकी पिसाई के लिए, तो वो इसमें तो होंगे नहीं, इसलिए हमने ये मॉडल डिजाइन किया। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं 100% स्टेनलेस स्टील में 2 HP की कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ हमने ये मॉडल तैयार किया है। बताया ये जो 2 HP का मॉडल है इसमें आप अनाज के साथ साथ मसाले भी पीस सकते हैं। ये जो हॉपर आप देख रहे हैं इसमें आपने अनाज डालना है, यहाँ से अनाज की पिसाई होगी जी। और हल्दी, लाल मिर्च या दालचीनी जैसे खड़े मसाले के लिए ये हमने आगे की तरफ एक हॉपर लगाया है, यहाँ से आप हल्दी जैसे आइटम डालेंगे और वो पिस के नीचे की तरफ आ जाएगी। जी जी जी। और सर मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें MC वगैरह है और ये मीटर है, सर इसका क्या यूज है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मली चक्की इसमें क्या होता है या घरों में हम क्या देखते हैं कि कई बार वोल्टेज ट्रिप हो जाता है, तो उसके लिए हमने इसमें ये MCB लगाया है। MCB का बेनिफिट ये है कि अगर पीछे से बिजली की वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएगी तो उसका नुकसान आपकी मोटर पे नहीं होगा। जी बिल्कुल। सेकंड, इसमें हमने ये हीट मॉनिटर लगाया गया है, ये मीटर आप देख सकते हैं। इसमें जब तक आपका जो ये नीडल है ग्रीन पे रहेगी तो आपका जो चक्की है नॉर्मल लोड पे चल रही है, जब आपकी नीडल रेड के ऊपर आ जाएगी तो आपको समझ जाना है कि जो आपकी चक्की है ओवरलोड पे है, आपको उसका लोड कम करना है। ओके ओके, यानी सेफ्टी फीचर्स काफी बेहतर। बिल्कुल जी। और ये जो 2 HP का मॉडल है इसकी कीमत हमने रखी है 24,000 रुपया। ठीक है, यानी 24,000 रुपए में। और ये भी घरेलू काम? बिल्कुल सही। ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये डोमेस्टिक यूज के लिए हैं। जो ये 2 HP वाला मॉडल है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर में है, अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ये घंटे का 20 से लेकर 25 KG इसकी आउटपुट आती है, और ये प्रति घंटे 1.8 यूनिट यानी कि 1.8 यूनिट प्रति घंटे इसकी बिजली कंजप्शन। ओके ओके। अब सर अगली मशीन क्यों चलते हैं? उसके बाद अब हमें स्टील बॉडी में रिक्वायरमेंट आती थी हमारे जो भाई हैं या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पे मशीन्स के लिए जी। तो उसमें हमने 3 HP से स्टार्ट किया। अब 3 HP में मेरे पास 3 मॉडल्स हैं, मैं आपको तीनों मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन समझा देता हूँ। जो ये पहला मॉडल है इसमें 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। इसमें भी जैसे कि आपको बताया आप अनाज के साथ साथ मसाले पीस सकते हैं, मसाले के लिए हॉपर आगे है, अनाज के लिए पीछे है। 3 HP में हमने बेसिकली 3 किस्म के मॉडल्स तैयार किए हैं। ये सबसे पहले आ गया हमारा स्टील बॉडी में, इन तीनों मॉडल्स की जो बॉडी है 100% स्टेनलेस स्टील की है। ठीक है। सेकंड जो मॉडल आ गया, हमें कई कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती थी कि उनको जो मैदा है या आटा है बहुत ही बारीक महीन चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए हमने 3 HP में ही एक ये डबल चैम्बर का ऑप्शन ऐड किया है। डबल चैम्बर में क्या होता है, नॉर्मल चैम्बर में जब आपका अनाज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों चैम्बर्स का डिफरेंस आपको बताता हूँ जी।
तो ये जो चैम्बर है इसमें आप देख सकते हैं एक ही चैम्बर है और एक सिंगल चैम्बर है, बिल्कुल। इसमें अनाज जब आता है तो एक ही बार में वो क्रश होके जी उसको पिसाई हो जाती है। ओके ओके। कस्टमर्स जब चाहते हैं कि उनको बिल्कुल बारीक में चाहिए, मैदा टाइप चाहिए, जी, जी, जी। इससे भी बनता है, लेकिन अगर उनको बहुत फाइन क्वालिटी का चाहिए तो ये डबल चैम्बर में आ जाता जी, है। जी, जी। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है आप देख सकते हैं चैम्बर दो है, जो पीछे वाला चैम्बर है उसमें ऊपर से अनाज आएगा तो वो उसका जो दाना है ब्रेकआउट हो जाएगा, और आगे वाले चैम्बर में वो क्रश होकर बिल्कुल बारीक क्वालिटी का निकलेगा। ओके ओके। तो ये जो मॉडल है ये भी 3 HP में डबल चैम्बर मॉडल में आ जाता है। उसके बाद एक हमने मॉडल लॉन्च किया, ये भी हमारा मॉडल 3 HP में है जी। इसमें हम फुल बॉडी कह देते हैं। फुल बॉडी क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी 3 HP की चक्की होती है उसकी जो स्टील है हाफ बॉडी में लगा होता है और नीचे वाला हिस्सा उसका खाली रहता है, और फुल बॉडी में क्या होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक टोटली स्टेनलेस स्टील से कवर होती है। ओके ओके, ठीक है। और सर बात करें इन दोनों के प्राइस की, तो प्राइस में क्या डिफरेंस है वो बता दीजिए सर। अब अगर इनका जो पहले मैं आपको प्राइस से पहले इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता हूँ, जी, जी, बिल्कुल। जो ये तीनों मॉडल्स हैं मेरे 3 HP में जी, इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। इनकी जो प्रोडक्शन आती है 30 से लेकर 35 kg प्रति घंटे की इनकी प्रोडक्शन आती है, और इनकी अगर बिजली कंजप्शन की बात करें तो ये घंटे का सिर्फ 2.5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगी, और आपका 30 से लेके 35 kg अनाज है, मसाला है, कुछ भी आपने पिसाई करना वो इससे ही हो जाएगा। और अब इनकी कीमत की बात करें, जो हमारा बेसिक मॉडल आ गया 3 HP में सिंगल जो चैम्बर के साथ है, इसकी कीमत है 27,000 रुपया, ठीक है। अब 3 HP में ही जो ये डबल चैम्बर मॉडल हमारा आ जाता है इसकी कीमत है 35,000 रुपया, और 3 HP में ये जो फुल बॉडी स्टील है इसकी कीमत है 30,000 रुपया, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं प्राइस काफी कम है, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस टाइप का ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट मशीन की ओर, जो सबसे बड़ी मशीन है, सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर उसके बाद 3 HP के बाद हमने एक मॉडल लॉन्च किया 5 HP में। इसमें खासियत ये है कि जो इसकी मोटर है उसको आप सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं और 3 फेज पे भी चला सकते हैं जी। इसमें 5 HP की 100% कॉपर वायर के साथ मोटर इसमें लगी हुई है, और तो और इसमें जो मेन फीचर ये है ये दोनों चीजों की पिसाई साथ में करेगी जी। देखने में बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश मॉडल है, प्लस इसमें भी MCB हमने इस साइड पे इसके में भी MCB और MPL मीटर का ऑप्शन इसमें भी दे दिया है जी। और अब अगर इसकी मैं प्रोडक्शन की बात करूं जी, ये घंटे का सिर्फ 3.75 यूनिट ये बिजली कंज्यूम करेगी। ओके। और 50 से लेकर 100 kg प्रति घंटे की इसकी प्रोडक्शन है। ओके। और सर इसके साथ आप जाली वगैरह कितनी जाली देंगे वो भी आप बता दीजिए। सर ये जितने भी मॉडल्स मैंने आपको दिखाए हैं जी, इन सभी मॉडल्स में हम 6 अलग-अलग किस्म की जालियां आपको देंगे जी। जैसे ये देख सकते हैं ये 6 किस्म की जालियां हम एक चक्की के साथ आपको देंगे। इसमें आप बारीक से लेके चाहे आपने आटा निकालना है, मैदा निकालना है, मसाले पीसने हैं, या जानवरों के लिए दलिया बनाना है, दाना बनाना है, ओके, वो भी आप आसानी से ये जाली लगा के बना सकते हैं। यानी कितना अच्छा है सभी मशीनों के साथ सर 6 जालियां दे रहे हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो दाने हैं या जो आटा है या मसाले हैं वो आप पी सकते हैं। और सर प्राइस की बात करें, इसके प्राइस कितने हैं? सर वहीं पे अगर हम 5 HP की प्राइसिंग की बात करें तो जो हमारा 5 HP मॉडल है इसकी हमने कीमत रखी है 44,000 रुपया। ओके। 44,000 में ये आपके घर तक डिलीवरी के साथ हम देंगे, ठीक है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर जरा आगे से इसका दिखा दें। आइए मैं आपको जो इसका चैम्बर है वो दिखाता हूँ कि देखने में ये चैम्बर कितना बड़ा है। ये देखिए ये इसका चैम्बर है, इसका चैम्बर भी 100% स्टील का है जी। और अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे इनके ब्लेड्स की अगर बात करें जी, तो जो इनके ब्लेड्स के ऊपर ये कंगनी लगी हुई है जिसको क्रशर कहा जाता है, इसकी नॉर्मल लाइफ 4 से लेकर 5 साल की होती है। ओके। सर हम इन चक्कियों की बात करें या जो मसाले वाली मशीनें इनकी बात करें, तो जो पुरानी जो मशीनें थी उनसे इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमें क्यों यूज करनी चाहिए? सर जो पहले वाली चक्कियाँ आती थी जी, उनमें क्या होता था कि जो हम आटे की पिसाई होती थी वो पत्थर के सहारे होती थी, पत्थर के बीच में अनाज या मसाला पिसता था जी। तो सबसे पहले तो उसका जो आउटपुट है या अनाज है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। बिल्कुल।
सेकंड, कहीं ना कहीं जो उसका पत्थर है उसके कुछ कण हमारे अनाज के बीच में जाके हमारे पेट के अंदर चले जाते थे, और थर्ड टेम्परेचर बढ़ने से जो उनका मिनरल कंटेंट है वो खत्म हो जाता था। okay. और ये जो चक्कियां हैं इनमें वो चीज नहीं है। इन तीनों में आपको सभी मॉडल्स में हमने दिखाया ब्लेड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें जो अनाज है वो आपका घिसाई से नहीं होगा, बल्कि अनाज आपका बिल्कुल ब्रेकआउट होके उसका बारीक फॉर्म में होगा, जिससे उसका जो मिनरल मिक्सचर के कॉन्टेंट है वो आपके अनाज के जो आटा आउटपुट है उसके बीच में ही देगा, और जो इसका आउटपुट है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। जी दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, लगभग 11 महीने पहले ही मैंने ये आटा चक्की वाले वीडियो डाले थे, मसाला चक्की वाले, लगभग 10 लाख से ऊपर उस पर व्यू हैं। इसीलिए मैं सर से मैं फोर्सली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर है और आपको स्क्रीनशॉट देता है तो सर आपको कुछ ना कुछ फ्री देना पड़ेगा या डिस्काउंट देना पड़ेगा। मनीष जी, आपने मुझसे ये बात पहली बार आपने ये कही है जी, और मैं आपसे आज एक वादा करता हूँ, जो भी मुझे भाई या बहन आपके चैनल का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करेगा और मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा, तो इन सभी चक्कियों के नीचे जो आप कंटेनर देख रहे हैं पड़े हुए हैं जी, स्टील के कंटेनर्स हैं, इन सभी चक्कियों के साथ जो जो कंटेनर होगा वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, मशीन के साथ आपको कंटेनर भी फ्री मिलने जा रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब सर बात कर लेते हैं, आपने प्राइस सभी के बता दिए, अब किसी को मंगाना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? सर, जो भी मेरा भाई या मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9852519706 और 9812411007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chhabbaragri.com के नाम पे। आपको घर बैठे ऑनलाइन मंगवाने के लिए ये जो पहले हमारे तीन मॉडल्स हैं, पहला मॉडल वुडन कैबिनेट जिसकी कीमत 19,500 है, 2 HP जिसकी कीमत 24,000 है, और 3 HP में जिसकी कीमत 27,000 है, इन तीनों मॉडल्स के लिए आपको 4,000 एडवांस डालना है। और ये जो बाकी तीन मॉडल्स रह जाते हैं, जैसे कि ये फुल बॉडी जिसकी कीमत 30,000 है, डबल चैम्बर जिसकी कीमत 35,000 है, और 5 HP वाला मॉडल जिसकी कीमत 44,000 है, इसके लिए आपको 5,000 हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है। हम यहां से प्रोडक्ट आपके दिए गए एड्रेस पे डिस्पैच करेंगे। जब प्रोडक्ट आपका लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, आपको पेंडिंग अमाउंट हमारे खाते में जमा करवानी है, हम यहां से उसकी कैंसिल करके DACC प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर तक करवा देंगे। मैम, बात कहते हैं इन मशीनों के साथ क्या मेंटेनेंस या साफ सफाई की जरूरत पड़ती है, आप बताएंगे? आप ये देख सकते हैं कि सभी मशीनों के साथ ऐसे ब्रश दिया गया है जिसको क्लीन करने में हमें बहुत इजी रहेगा। जी, आप ये देख सकते हैं, ये जो जालियाँ होंगी इनको आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो मैम, आप इन मशीनों के द्वारा आप किस किस अनाज या मसाले के आज हमें डेमो दिखाने वाले हैं? इससे तो हम कोई भी मसाला पीस सकते हैं। आज हम आपके सामने 5-6 तरह के अलग अलग मसाले पीस के दिखा रहे हैं जो आगे रखे हुए हैं, हम इन सबका लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनका डेमो दिखाइए जी। आइए दोस्तों, मैं अपनी वाइफ को कहता हूं कि ये आपको जो हमारा वुडन कैबिनेट है उसमें ये जो गेहूं है इनके हाथ में, इसका डेमो करके दिखाते हैं। ये देखो, जो इसमें हमने गेहूं डाला है, अपने आप जितना मशीन को चाहिए उतना गेहूं लेके ये नीचे से पिसाई होके निकलेगा। और जो मैंने आपको एक बात कही थी इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, अभी चक्की चल रही है तो ये देखिए, जैसे ही ये दरवाजा खुला ऑटोमेटिकली चक्की आपकी बंद हो गई, और अब जैसे ही हम इस दरवाजे को बंद करेंगे ये चक्की अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका सेफ्टी फीचर है। डोमेस्टिक मशीन में गेहूं डाले गए,
अब कुछ ही मिनटों में इससे आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये जो हमने आटा इसमें से डाला गेहूं, वो आटा नीचे ये जो इसका बॉक्स है उसमें आ गया है। आइए अब आपको इसकी आटे की जो क्वालिटी आई है वो दिखाते हैं। ये देखिए एकदम जो फाइन क्वालिटी का आटा है, ये देखिए बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है। आइए दोस्तों अब गेहूं के बाद हम आपको ये जो बाजरा है ये भी कई जगह खाया जाता है, इसकी पिसाई करके दिखाते हैं। भाई दोस्तों ये मशीन तभी स्टार्ट होती है जब इसमें जो भी अनाज है वो डाला जाता है और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी है। अगर इसको आप अचानक खोल देंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी और जब इसका ढक्कन दोबारा बंद करेंगे। अच्छा जी मैम खोल के दिखा दीजिए एक बार, देखिए ये देखिए मशीन अपने आप बंद हो गई है। कितना अच्छा इसमें सेफ्टी फीचर्स है और जैसे इसको आप बंद करेंगे मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसमें फीचर्स दिया गया है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं जो बाजरा है ऑटोमेटिकली जितना इसके हॉपर में चाहिए ऑटोमेटिकली ये बीच में जा रहा है। तो जो ये हमने इसमें बाजरा डाला अभी आपको उसकी क्वालिटी दिखाते हैं, कितनी फाइन क्वालिटी इसने निकाली है। और उसके बाद मैं आपको इसका हॉपर भी दिखाता हूं और जाली कैसे बदलनी है वो भी बताता हूं। ये देखिए जी जो हमने इसमें बाजरा डाला है आपके सामने कितनी हमने क्वांटिटी डाली थी और ये देखिए बिल्कुल बारीक पीसा है, कितना बारीक ये देखिए। और इसको आप ये मैंने अभी जो बिल्कुल बारीक जाली है वो डाली है। इसका हॉपर भी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सेम इसका ये हॉपर है जैसे कि बड़ी मशीन्स में आपको 2 HP या 3 HP वाली में बताया। और इसकी जाली बदलनी भी बहुत ही आसान है, यहां से आप इसकी ये जाली जो भी आपने जाली लगानी है निकाल के यहीं से ये जाली ऐसे आसानी से डाल सकते हैं। यानी कोई भी इसको कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है जी। आप ये देखिए आपके आगे आप घर में कोई भी इसको चला सकता है। जो अब हमारा 3 HP में स्टील बॉडी में डबल चैम्बर मॉडल जो कमर्शियल मॉडल है इसको चलाने का प्रोसेस बताता हूं। आपने प्लग ऑन करना है और उसके बाद ये जो MCB है इसको ऑन किया और जो हमने पिसाई करनी है वो डालना है। ये जो इसमें मैंने मसाले वाली जाली डाली थी इसलिए आपको जो ये चने हैं जो ये काले चने कितने सख्त चने हैं इनको मैं पीस के आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए जी अब आपको आइडिया हो जाएगा कि डबल चैम्बर से जो क्वालिटी आती है किस क्वालिटी का ये मटेरियल पीसता है। ये देखिए जी आप खुद टच करके देखिए बिल्कुल जो मैदे की क्वालिटी है वो इसने बना दी है। मैं इनफैक्ट मनीष जी आपसे भी कहूंगा कि आप खुद आके इसको चेक कीजिए और इसकी क्वालिटी आप देखिए कि डबल चैम्बर में कैसे इसकी पिसाई हुई है। ये आप देखिए पूरा इसको कितनी अच्छी तरह पीस दिया है। ये फायदे हैं आपके डबल चैम्बर के, ये आप देख सकते हैं। तो इसी मॉडल में जो 3 HP में डबल चैम्बर में है आपको काले चने मैंने पीस के बताए। अब मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट आती थी कि हल्दी
जो कि बहुत ही सख्त होती है, इसको कोई मशीन पीसेगी नहीं। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो हल्दी की गांठे हैं, जो साबुत गांठे हैं, मैंने इनको कोई छोटा काट के या तोड़ के नहीं किया हुआ है, जो ये साबुत गांठे हैं, ये इसमें मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। और इसको भी चलाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो नॉब है, आपने जो पीसेज है, जो मसाले वाली नॉब है, वहाँ पे एडजस्ट करना है और MCB ऑन करना है। MCB ऑन होते ही, जैसे कि आपको बताया, ये हॉपर है जिसमें से हमने मसाले डालने हैं, यहाँ से हमने ये हल्दी डालनी है। जो भी हमने इसमें हल्दी डाली थी, आपके सामने मैंने जो सख्त हल्दी डाली है, उसका अब इसने क्या हाल किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से मशीन को ऑफ करना है। और आइए मैं आपको इसकी हल्दी की क्वालिटी दिखाता हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्वालिटी की हल्दी आपको मार्केट से भी नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं कुछ कंटेंट जो है पहले वाले का आ गया था। अब ये साइड पे आप हल्दी की क्वालिटी देखिए, जो इसने ये हल्दी का पाउडर बनाया है, ये देखिए आप। मैं गारंटी कहता हूं, इतनी महीम और इतनी पतली हल्दी आपको मार्केट से भी नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जो हल्दी होती है वो इसने पीस दी है, और सब कुछ आपके आगे लाइव हो रहा है, बिना किसी कट के हो रहा है, तो कोई भी यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये आप देखिए कितनी बेहतरीन हल्दी इसने पीसी है। और ये जो क्वालिटी है, ये हमारा जो डबल चैम्बर मॉडल है, उसमें ये इसने हल्दी की पिसाई की है। सैदा जी आप भी देखिए किस क्वालिटी की इसने हल्दी निकाली। दोस्तों अब जो हमारा 5 HP का मॉडल है, इसमें मैं आपको, ये मेरे हाथों में धनिया है, लाल मिर्ची है और ये मक्की है, इन तीनों का मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो आइए 5 HP के डेमो के लिए सबसे पहले हम इसका MCB ऑन करते हैं। उसके बाद ये जो धनिया मेरे हाथों में है, यहाँ से हमने ये धनिया डालना है। दोस्तों जैसे कि आपको कई बार वहम होता है कि ये शॉक प्रूफ है कि नहीं, ये देखिए चलती हुई चक्की पे मैं आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूं, कहीं पे भी कोई शॉक आने का डर नहीं है। ये देखिए इसमें जैसे मर्जी आप हाथ लगाइए, कोई शॉक नहीं आएगा। अब ये जो हमने धनिया इसमें डाला था, मैं आपको मशीन का MCB ऑफ करके उसके धनिया की क्वालिटी दिखाता हूं। ये देखिए जो हमने इसमें धनिया डाला, ये कंटेनर खोलते ही उसकी महक आने लग गई है। बिल्कुल। और ये देखिए इसमें हमने जो जाली डाली हुई है, मोटी जाली डाली है जो दलिये के लिए, उस हिसाब से भी ये देखिए धनिया का इसने क्या हाल किया है। अब दोस्तों ये जैसे इसी में मैं आपको दलिये के हिसाब से मैं बारीक जाली दलिये वाली लगा के आपको ये मक्की का चला के दिखाता हूँ। ये देखिए
देखो दोस्तों, जो हमने इसमें अभी मक्की डाली थी उसका भाई दलिया जो बन रहा है, मैं आपको जो दलिया वाली जाली से जो दलिया बनाया है इसका, वो आपको दिखाता हूँ किस क्वालिटी का इसने दलिया बनाया है। ये देखिए दोस्तों, जो जानवरों को डालने के लिए हमने दलिया बनाया है इसका, ये देखिए, इसने जो जानवरों को खिलाने के लिए हम दाना या दलिया बनाते हैं, किस क्वालिटी का इसने वो बना दिया है। आइए दोस्तों, अब हम अपनी जो 5 HP मॉडल है इसमें ये जो सूखी लाल मिर्च है ये आपको पीस के इसका पाउडर बना के दिखाता हूँ। हमने इसका MCB ऑन करना है और यहाँ से इसमें जो लाल मिर्च है वो डालनी है। ये देखो दोस्तों, जो हमने इसमें लाल मिर्च अभी डाली, अभी मैंने कुछ ही क्वांटिटी डाली है, और ये देखिए कितनी इजीली से जो लाल मिर्च है वो पिस चुकी है। बिल्कुल जी, आप कोई भी अनाज है, कोई भी मसाला है, बहुत ही आसानी से इससे उसकी पिसाई हो सकती है। सर ने पूरा कंप्लीट डेमो दिखाया, कई आइटम्स, कई मसाले और आटा इससे पीस के दिखाया, और आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहतर क्वालिटी इससे जो है आई है। दोस्तों, सर ने इन सभी मशीनों के बारे में पूरा विस्तार से बताया, हो सकता है फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो। स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर है उनके द्वारा आप सीधे कंपनी से बात कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी कमेंट के द्वारा ही पूछ सकते हैं। लेकिन आपको वार्न करना चाहेंगे, आप किसी भी ऐसे नंबर पर फ़ोन मत करें जो कमेंट में दिया गया है, वहाँ आपके साथ फ्रॉड होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।